जय हिंद बच्चों, एक बार फिर हिंदी के कालखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुचि शर्मा, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे कुछ इस तरह जोड़ें कि हम कहीं भी चले जाएं, वापस लौटकर सही अपने घर आते हैं। घर जो हमारा सब कुछ है, घर में परिवार है, घर से ही हमारा जीवन एक रोज नई शिक्षा को ग्रहण करता है। घर में जितने भी सदस्य होते हैं वे हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। जैसे हम अपने माता जी, पिताजी, यदि घर में बड़े भाई बहन हो तो उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। उनके पास कौन सी ऐसी कला है जिससे हम प्रभावित होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह घर से ही संबंधित है। जैसे स्कूल से छुट्टी हो गई, टन 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 दौड़े भागे कहाँ चले, घर चले। चलते हैं आज हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के घर। उन्हें अपने घर की याद आ रही है। क्यों आ रही है, किस प्रकार आ रही है, घर की याद को करते समय वह किन किन चीजों को याद कर रहे हैं देखते हैं। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड में सम्मिलित घर की याद कविता, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, उसे समझेंगे और उसमें हमें क्या कुछ बताया गया है, कवि ने अपने हृदय की भावनाओं को किस तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे देखेंगे। कविता को समझने से पहले जो कवि हैं उनके विषय में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। आपकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है, जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं हम उसमें भी देखेंगे। जैसे छोटे छोटे वाक्य विन्यास हैं, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, ये छोटे छोटे वाक्य हैं, परंतु इन्हें कविता में बदलने का जो अद्भुत क्षमता है वो मिश्र जी के पास है। आप जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी, जैसे परिवार का भी एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। आप देखते हैं आपकी प्रमुख रचनाएं। रचनाओं में प्रमुख हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम इत्यादि। आपको साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला है, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी आपको अलंकृत किया गया है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिमरिया नामक गांव में ही हुआ था। कवि परिचय के पश्चात देखते हैं कविता का केंद्रीय भाव, जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। कविता के केंद्रीय भाव को कुछ इस प्रकार समझते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल गए तो जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा उन्हें बहुत सालती है, खलती है, दुख देती है। कवि के स्मृति संसार में अर्थात उनकी यादों में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं।
घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। केंद्रीय भाव के पश्चात कविता को पढ़ते हैं, फिर उसे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बात करते हैं संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हम तो पहले से ही परिचित हैं आरोह से ली गई हैं। आरोह के पद्य खंड, कविता का नाम घर की याद, कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी को जेल प्रवास के दौरान अपने घर की याद आ रही है, किन परिस्थितियों में आ रही है इसका जिक्र वे इन पंक्तियों में कर रहे हैं। समझते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, जेल प्रवास में जब कवि थे तब एक दिन पानी गिरने लगा। पानी गिरते समय उन्हें अपने घर की याद आई, तब वह कहने लगे कि पानी के गिरने के कारण बहुत सारी चीज़ें पानी में तिरने लगती हैं, उनके मन में, उनकी आंखों में उनका घर तैरने मतलब तैरने लगा, उनके सामने उनका घर संसार उनकी आंखों के सामने वही दृश्य उपस्थित होने लगा। आगे वो कहते हैं घर की मुझसे दूर है जो, घर नज़र से दूर है जो, क्योंकि वो जेल प्रवास पर है तो घर उनसे दूर है, घर उनकी नज़रों से भी दूर है। इस प्रकार हमने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझ ली। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठिन हैं, थोड़ा सा उनका अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ में हम देखेंगे प्राण मन घिरना, प्राण और मन में छा जाना, नज़र में तिरना, आँखों में तैरना, पूर है जो, वह घर जो खुशियों से भरा पूरा है। काव्य सौंदर्य। कविता में शांत रस की प्रधानता है, प्रसाद गुण हमारे सामने आ रहा है, कविता की भाषा बहुत ही सरल है। अब देखते हैं दूसरा पद्यांश। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने। संदर्भ तो पूर्वानुसार ही रहेगा, पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, इनसे हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। प्रसंग थोड़ा सा बदल जाएगा। अब इन पंक्तियों में कवि ने बरसात के मौसम में, सावन के मौसम में जब बहने अपने मायके आती हैं उस दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहन जब मायके आई है सावन के महीने में, तब उसे घर आकर दुख भी हो रहा होगा क्योंकि उसका एक भाई उस समय वहाँ उपस्थित नहीं है, वो तो जेल में है। ये हो गया प्रसंग। व्याख्या देखते हैं। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई। कवि क्या कहते हैं कि उनके कुल चार भाई और चार बहनें हैं, उनकी एक विवाहिता बहन भी है, वह सावन के समय अपने माता पिता के घर आई होगी, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब परिताप मतलब अत्यधिक दुख, यहाँ पर दुख इसलिए कि उसे अपने भाई को वहाँ न देखकर दुख हुआ होगा, इसलिए कवि ने कहा कि हाय रे परिताप के घर। आगे कवि कहते हैं सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। कवि कहते हैं कि ऐसा अवसर बहुत कम ही आता है जब घर में सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं, इस अवसर पर मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ। आगे वो अपने परिवार के लिए कहते हैं कि भुजा भाई प्यार बहने, कि जो भाई है वो परिवार की भुजाओं के समान है और बहन सदैव उसमें एक स्नेह का बंधन बांधे हुए रहती है। इस पद्यांश में केवल एक ही कठिन शब्द लग रहा है, परिताप तो मैंने आपको बता ही दिया, अत्यधिक दुख है। अब काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में यहाँ अनुप्रास और उपमा, क्योंकि भुजा भाई है ना, भाई को भुजा की उपमा दी गई और
प्यार बहने, बहनों को प्यार की उपमा दी गई है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी है, शांत रस की प्रधानता भी है और भाषा अत्यंत सरल और सहज सरस है। वाक्य छोटे छोटे लघु रूप में हैं जो कविता में बहुत अच्छे बन पड़े हैं। इस प्रकार हमने इस कविता के दो प्रत्यांशों को देखा। अब चलते हैं तीसरे की ओर। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा कहाँ यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यहाँ पर जो कवि हैं वो कारावास में किए थे, जेल में हैं, अपन को पता है। उन्हें वहाँ अपनी माताजी की याद आ रही है। उन्हें यादों के क्षणों को उन्होंने कविता की पंक्तियों में पुराया। इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, कवि कहते हैं कि मेरे भाई बहनों के साथ सावन में बरसात के मौसम में मेरी माँ भी उन्हीं के साथ होगी और वो मुझे बहुत याद भी कर रही होंगी। और मेरी माँ जो हैं वह बिना पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए वह अपने मन के भावों को लिखकर मुझे नहीं भेज सकती हैं। दुख में वह गड़ी मेरी, और वह मेरे ही दुख में गड़ी जा रही होंगी, मेरे ही दुख से सराबोर होंगी कि मेरा एक पुत्र मेरी आंखों के सामने नहीं है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि माँ के ममता और प्रेम का विस्तार बहुत अधिक होता है। इससे हम सभी परिचित हैं, इसे हमें किसी को भी एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माँ का जो प्रेम है वह इतना पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसे किसी भी तरह के किसी भी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। माँ कहने से ही हम अपनी माँ को सादर नमन करने लगते हैं, है ना। इसलिए कभी भी कह रहे हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कि वह अपने भावों को, अपने मन के विचारों को, उन्हें जो मेरी याद आ रही है उसको पत्र में लिखकर मुझे भेज दें। लेकिन फिर आगे भी वो कह रहे हैं कि जो माँ की जो प्रेम की धारा है, जो स्नेह होता है, जो वात्सल्य होता है, वह अतुलनीय है, उसकी कहीं से भी कुछ तुलना नहीं की जा सकती है। और मुझे अपनी माँ की स्मृति उन्हें झकझोर कर रख दिया है। उन्हें इस गिरते हुए पानी में अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही है। देखते हैं इन पंक्तियों का ही काव्य सौंदर्य। शांत रस है और अनुप्रास अलंकार की छटा तो दिख ही रही है। इसके अलावा इसमें माँ के प्रेम का वर्णन है। आते हैं चौथे पद्यांश पर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल अरजता। इसके पहले वाले पद्यांश में देखा कि कवि को अपनी माता जी की याद आ रही थी, उसके पहले वाले पद्यांश में वे अपने भाई बहनों का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर वे अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जेल प्रवास के समय अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं मेरे पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा है। व्यापा मतलब अनुभव हुआ है, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बूढ़े हो चले हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, जो मौत जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, जो कभी भी मौत के आगे घबराते नहीं है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं, मौत के आगे न हिचकें, जो कभी भी मौत से घबराते नहीं हैं, शेर के आगे न बिचकें, शेर को देखकर भी विचलित नहीं होते, शेर को देखकर भी डरते नहीं हैं। यदि हमारे सामने शेर आ जाए तो हम तो उसे देखकर डर भी जाएंगे, बिचक भी जाएंगे, लेकिन जो कवि हैं, जो उनके पिताजी हैं, वो उससे नहीं विचलित हो रहे हैं। बोल में बादल गरजता और काम में झंझाल अरजता। आगे कवि कहते हैं कि वे जब उनके पिताजी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी कड़क और जोशीली है कि उसके आगे बादल गरजने की आवाज़ भी फीकी पड़ जाती है।
काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी विविध रस की अभिव्यक्ति हो रही है, बोल में झंझाला रस्ता, काम में झंझाला रस्ता, इस तरह से है ना। अनुप्रास अलंकार तो है ही, भाषा सहज और सरल है, शांत रस और सात गुण यहाँ नहीं है, यहाँ वीर रस की प्रधानता है। आते हैं अगले पद्यांश पर। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुखदर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने पिताजी के शारीरिक सौष्ठव को बताया है, उसके साथ साथ ये भी बताया है कि वो हृदय से कितने कोमल हैं। व्याख्या समझते हैं। कवि कहते हैं आज गीता पाठ करके, वे कहते हैं कि उनके पिताजी नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, इस उम्र में भी वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, 260 दंड बैठक करते हैं और मुग्धर अर्थात वो एक लकड़ी की जो भारी गदा होती है जिसे इस तरह से हिलाकर उससे व्यायाम किया जाता है, वह भी वो उससे भी व्यायाम करते हैं। और इसके पश्चात जब वह घर में नीचे आए होंगे तब उन्हें देखा होगा कि जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि जब वे इन सब अपने नित्य क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर छत से नीचे आए होंगे तब उनकी आंखों में आंसू अवश्य छाए होंगे। जब उन्हें अपना पांचवा बेटा भवानी घर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तब उन्हें यह देखकर बहुत दुख हो रहा होगा और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। फिर कवि कहते हैं कि हाय पानी गिर रहा है और घर नजर में तिर रहा है, फिर उन्हें अपने घर की याद आ रही है, इसीलिए तो वो कविता लिख रहे हैं। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य की बात की जाए, इसमें शांत रस और प्रसाद को है, भाषा सरल और सहज है। आते हैं अगले पद्यांश पर। चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। संदर्भ तो पूर्वानुसार ही रहेगा। प्रसंग की बात की जाए तो कवि ने अत्यंत मार्मिक परिस्थिति का वर्णन किया है, उन्हें दुख भी हो रहा है कि घर में सभी हैं और वो वहाँ पर नहीं है। यह दृश्य देखकर उन्हें वहाँ अपने परिवारजनों में कवि को वहाँ न देखकर उनके घर के सदस्यों पर क्या बीत रही होगी, देखते हैं व्याख्या। चार भाई चार बहने, कहते हैं कवि कि मेरी चार भाई हैं चार बहने हैं और वे सभी आज रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे को बड़े स्नेह और प्रेम के वातावरण में घुल मिल रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जब पिताजी की दृष्टि और भाई बहनों पर पड़ी होगी तो क्या उन्हें अपने पांचवें पुत्र भवानी की याद नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। आगे कवि कहते हैं रो पड़े होंगे बराबर पांचवी का नाम लेकर, फिर वो खुद को कहते हैं पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं वह अभागा पुत्र हूँ जो अपने पिताजी की आंखों के सामने उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, इसलिए वो स्वयं को अभागा कह रहे हैं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, सोने पर सुहागा मतलब एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से मिलकर और श्रेष्ठ हो जाना। आगे पिताजी कह रहे हैं कि उन्हें वे सोने पर सुहागा कहते थे और आज मैं ही वहाँ पर नहीं हूँ, कुछ कुछ परिस्थितियाँ ही इस प्रकार के निर्मित हो गई हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज उनके जो स्वर्ण बेटे हैं अर्थात जो उनके चार पुत्र हैं उन्हें वो सोना स्वर्ण धातु कहते आए, और जो भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं ये सोने पर सुहागा है ना, तो जो स्वर्ण बेटे उन्हें आज गौण लगे होंगे क्योंकि कवि वहाँ पर उपस्थित नहीं है। सोने पर सुहागा तो वो स्वयं है ना, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है।
इसलिए कविता की पंक्तियों में भी कहा गया कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूँ अभागा, क्योंकि मैं आज यहाँ कारावास में बंद हूँ, बना हुआ हूँ, मैं अपने परिवार से मिल नहीं सकता हूँ, इस खुशी के वातावरण में मैं उनके साथ नहीं हूँ। चलते हैं अगले पद्यांशों की ओर। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। प्रस्तुत पंक्तियों में जब कवि जेल प्रवास पर हैं तो वो सावन को ही संदेशवाहक बना रहे हैं, अपना संदेश वो सावन के माध्यम से भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे कहना मेरे लिए कुछ शोक ना करें, मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनका नाम कर रहा हूँ, इसलिए वह शोक बिल्कुल ना करें कि मैं उनके साथ वहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ। देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं ये सजीले हरे सावन, ये सजीले हरे भरे सावन, सजीले हरे भरे सावन क्यों, क्योंकि सावन के मौसम में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति भी सजी सजी नजर आने लगती है, इसलिए उन्होंने कहा हे सजीले हरे सावन। कवि कहते हैं कि तुम हे सजीले हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, पुण्य पावन मतलब पवित्र सावन, तुम जाकर ये कहना कि मैं मज़े में हूँ, बस घर पर नहीं हूँ, बस यही बात है, और उनसे कहना मैं यहाँ बड़े आनंदपूर्वक वातावरण में हूँ, बस मैं घर पर ही तो नहीं हूँ, और वह कहते हैं कि मेरा केवल ये बस कह देना मेरे परिजनों के लिए एक बहुत बड़ा बस है, इसलिए कविता की पंक्तियों को फिर से देखते हैं, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, यह बस जो है ये मात्र केवल नियंत्रण शब्द नहीं है, यही बस तो मेरे परिवार में मेरी कमी को साल रहा है, मेरी जो उपस्थिति वहाँ नहीं है उसे बता रहा है, इसलिए ये बस बहुत बड़ा बस है, ये विरस है, क्योंकि इतने खुशी के वातावरण में भी वो लोग केवल मेरे लिए दुखी हो रहे होंगे। आगे कवि कहते हैं उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, पर तुम उनसे ये मत कहना कि ये जो बस मैंने लिख दिया है इसके कारण मैं भी दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं दुखी हो रहा हूँ तो वह भी बहुत दुखी हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पूरी तरह आनंदपूर्वक हूँ, मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ अर्थात कुछ लिख भी रहा हूँ, यहाँ मैं आपका नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी अच्छे कार्य के लिए जेल में हूँ, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है जिससे आपके सम्मान में कुछ कमी आए, और उनसे ये भी कहना कि यहाँ सब लोग मेरा बहुत आदर करते हैं। काव्य सुंदर की बात की जाए तो शांतरस और प्रसाद गुण की प्रधानता है। आते हैं अगले पद्यांशों पर। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं यो न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किस प्रकार जेल में आनंदपूर्वक है यह बात वह अपने घर वालों को बताना चाह रहे हैं। देखते हैं व्याख्या। और कहना मस्त में वे सजीले हरी सावन से कह रहे हैं कि उनसे कहना कि उनका जो बेटा है भवानी कारावास में बहुत मस्त है, बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है, और उसका वजन भी 70 से पूरे 70 किलो हो गया है। आगे कवि कहते हैं कि दुख डटकर खेलता हूँ मैं, दुख को डटकर, दुख का डटकर सामना करता हूँ, उसे मैं दूर भगा देता हूँ,
और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं, और उनसे कहना मैं यहाँ पर बहुत मस्त हूँ, यूँ ना कहना कि मैं किसी दुख में डूबा हुआ हूँ, अस्त नहीं हूँ मैं तो मस्त हूँ मैं। फिर वो सजीले हरि सावन को निर्देश भी दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं? हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना। सजीले हरे सावन, मैं तुझे जैसा दिख रहा हूँ ऐसा तो बिल्कुल वहाँ जाकर मत कहना। ये ना कहना कि मैं आदमी से दूर भाग रहा हूँ, ये ना कहना कि मैं यहाँ चुपचाप हूँ, मौन हूँ, मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। और तुम ये भी ना कहना, क्या कविता की पंक्तियों में देखते हैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। तो फिर कहते हैं तुम चाहे कितना ही बरस लो, पर मेरे घर वालों के सामने जाकर तुम मेरा अच्छा पक्ष ही प्रस्तुत करना, उन्हें ये ना बता देना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, मौन हूँ, मैं यहाँ किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ, केवल उन्हें यह बताना जो मैंने तुम्हें बताने के लिए कहा है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उन्हें उनके सामने जाकर मत बताना। काफ़ी सौंदर्य देखें तो यहाँ करुण रस की प्रधानता है। कभी दुखी भी हो रहे हैं, उन्हें जेल में हैं तो उन्हें अपने परिवार से अलग होने का दुख भी तो हो रहा है। इसके बाद संवेदनात्मक वातावरण भी उपस्थित हो गया है। भाषा सरल और सहज है, हमें आसानी से समझ में आ रही है। इस प्रकार हम पूरी कविता को देखें तो हम ये समझ चुके हैं कि कविता में का जो मर्म है वो है घर की याद। इसलिए कविता का शीर्षक भी है घर की याद। कवि किस वातावरण में रह रहे हैं, उन्हें अपने घर के सदस्यों की किस किस प्रकार से याद आ रही है, ये सब हमने इस कविता में देखा, पढ़ा, समझा। आशा है कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि इसे दोबारा सुनना है तो आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। कविता को ज़रूर सुनें, समझें और अच्छे से उसे तैयार करें। इसी आशा के साथ अगले कालखंड में किसी नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।